speaking. So you guys, Dheeraj here. So I'm back with another video. So आज कुछ special video है. ये है fog lamps जो Oxbeam की तरफ से आए थे और ये LED जो fog free side के लिए ये हम आज install करेंगे. But उससे पहले हमें revert merchandise send करने को है और merchandise हम send कर रहे हैं. तो revert merchandise का order आया है शिवेंद्र शर्मा का, ये हमीरपुर से. तो आज सैटरडे है तो आज मैं ट्राई करूँगा कि आज ही सेंड कर दूँ. तो पहले उसका एड्रेस वगैरह लिख लेते हैं. और शिवेंद्र शर्मा, डोंट माइंड द राइटिंग बिकॉज यू नो इट इज व्हाट इट इज. यार राय भाई आप ही लिखो, मेरी राइटिंग नहीं है सही, लिखो. तो अभी हम अभिमन्यु राय के घर पे और यहाँ से अभी निकलेंगे हम थोड़ी देर में. और बस अभी यहाँ से थोड़ा पैकिंग करके चलते हैं. और गाइस ये थी वो हेडलाइट्स जो LED आई हुई है, अभी तक इंस्टॉल नहीं करी हुई है. और तो आज इनको हम इंस्टॉल करेंगे अपनी फॉर्ड फ्री स्टाइल में. और राय भाई की राइटिंग क्या बात है. तो इन्होंने ऑर्डर किया हुआ है ये रेड ट्विल का रेवेट मर्चेंडाइज जिसमें है ग्रो सम पेयर्स लिखा हुआ है. और इन्होंने सिंगल ऑर्डर किया हुआ है तो इनको जाएगा सिंगल. सो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए गाइस, ओनली 4 to 5 पीसेज बचे हुए हैं जो कि अपने लिए मैं बचा के रखूँगा आई थिंक. एंड भाई यहाँ पे अपने मेरा एड्रेस नहीं लिखा ना, फ्रॉम लिखो, अंदर डाल दिया आपने, बाहर निकालो उसको फिर लिखो, साइड में लिखना है. हाँ कोने में क्या लिखना, फ्रॉम धीरज रावत. तो गाइस अभी हम निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर में, उतने में गाड़ी में सामान रख लेते हैं. और गाड़ी धूप में खड़ी हुई है, बहुत बहुत गर्मी है, अंदर कैसे बैठा जाएगा. और गाड़ी की हालत, अगर आप फॉर्ड फ्री स्टाइल ले रहे हो या कोई सी भी गाड़ी, स्मोक ग्रे कलर अच्छा है बट धूल इस पर बहुत ज़्यादा दिखती है. सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस गाड़ी का, गाड़ी क्या इस कलर का, इस कलर का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. ये रही ट्रे, ये कर दिया हमने बंद. Sure. Yeah. Dheeru, I challenge you. Aap the gate lega de de sir. Apni side rakha, apni side. As of. Oh, David Fincher. तुझे पता मेरी? David Fincher. फिर तो देख रही मेरी फुटेज जो. आ दया. गाड़ी में दिक्कत ये भी है, किसका ये पावर विंडो वाला बटन, ये नीचे तो हो जाता है बट ये ऊपर नहीं होता है. नीचे हो रहा है, ऊपर कई बार छोड़ देता है, ऊपर यहाँ से करना पड़ता है. ये चेक करवाया. और लाइट्स के लिए ये मना कर रहे हैं अभी तो, बट फिर भी मैंने बात करने को बोला इनको कि हाँ देखो कुछ बनता है. तो अभी अपना काम हो गया यहाँ पे फोर्ड में. और अपनी ये जो पावर विंडो है ये भी हमने नया स्विच लगाया यहाँ पे, ये ख़राब हो गया था, उन्होंने रीज़न ये दिया कि डस्ट की वजह से ख़राब हो गया था. सो अभी KTM के पास रुके हुए हैं और KTM में भी 390 दी गई है और उसका फिर से थोड़ा इंजन चेकअप हो रहा है क्योंकि वो भाग नहीं रही है, इतना रेस नहीं ले रही है अच्छे से. तो बस अभी अंदर जाते हैं फिर देखते हैं क्या रिपोर्ट बनती है. और उसके बाद लाइट्स के लिए इन्होंने भी ऐसा बोला कि आपको आफ्टर मार्केट कहीं बाहर से आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ये इंस्टॉल नहीं करेंगे. तो चलिए पहले KTM जाते हैं उसके बाद लाइट्स भी इंस्टॉल करते हैं. सी यू देयर.
गड्डी लाइन दे बॉक्स गाइस। अभी जितना चेक करा उस हिसाब से तो लग रहा है कि काफ़ी हद तक काम अच्छा हुआ है और फील हो रहा है कि हाँ इट्स गेटिंग बैक इन इट्स ओल्ड शेप और इंजन भी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। एक्चुअली जब पहले इंजन का काम करवाया था तो इंजन इतना रिस्पॉन्सिव नहीं था और अब लग रहा है कि बाइक में पुराने वाला ग्रंट वापस आ रहा है। तो आज ये डिलीवरी नहीं देंगे, कल की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कल तक हम डिलीवर कर देंगे क्योंकि उन्होंने अभी कुछ चेक करना है। सो या आई विल कीप यू पोस्टेड। अभी मेरा कज़न चलाएगा, ले भाई चला। हेलो गाइस, और हेलमेट नहीं है हमारे पास क्योंकि गाड़ी में आए थे। सो एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ड्यूक 390 क्यों नहीं आ रही है। सो दिक्कत ये थी कि इसका इंजन का काम करवाने के बाद इंजन कुछ रिस्पांस अच्छे से नहीं दे रहा था और अभी दिक्कत इसके फ्यूल पंप में थी और फ्यूल पंप और पिस्टन में भी थोड़ी प्ले आ गई थी। सो ये कुछ इश्यूज थे, ये इन्होंने अभी फिगर आउट करे और पंचर है सीरियसली। चल ठीक है दीदी, ये दोनों कर देना शिप, दो ऑर्डर हैं ठीक है। ओके 520 पेट्रोल। तो लाइट अभी इंस्टॉल कर दी हमने और उसके जो फॉग लैंप्स थे साथ में वो इस गाड़ी में फिट नहीं हो रहे थे क्योंकि उनका जो प्लग है उनमें डिफरेंस है और उनकी जो पिन है वो कुछ कम गैप पे और जो इसकी है वो थोड़ी ज़्यादा गैप्स पे है। तो इसलिए वो इंस्टॉल नहीं हुए डायरेक्ट, पता नहीं किसी और गाड़ी में लगेंगे। नाइस, हाय हाय। तो हम बात कर रहे थे लाइट्स के बारे में। सो लाइट्स हमने इंस्टॉल कर दी और उसका जो एडाप्टर था उसको हमने, जो उसके साथ डबल साइडेड टेप आई थी, अच्छी वाली टेप थी, उसके साथ हमने उसको साइड में चिपका दिया गाड़ी के। देखते हैं अब क्या रिपोर्ट रहती है। तो गाइस ये रही लाइट, लाइट का कलर एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे, और फॉग लैम्प्स वो स्टॉक की हैं। एंड दैट्स इट गाइस। वैसे भी फोर्ड फ्री स्टाइल में दिक्कत थी, जो उसकी स्टॉक हेडलाइट थी उससे पैच रहता था रोड पर खाली, सो जो लाइट का फोकस था वो अच्छे से नहीं बैठता था रोड पे। सो अभी इस लाइट से वो वाली चीज़ सॉल्व हो चुकी है। सो इफ़ यू वांट टू चेक देम आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑक्सबीम फॉर सेंडिंग मी दिस हेडलाइट। एंड उन्होंने एक्चुअली काफ़ी पहले से इनको भेजा हुआ है बट मेरे को टाइम नहीं लग रहा था इनको इंस्टॉल करने का। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड पीस।